हेल्थ और वेलनेस हाइलाइट्स के एक और ताजातरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी और आपके लिए लेकर आता हूं हेल्थ और वेलनेस से जुड़े अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्थायी पदों पर जल्दी ही नियुक्तियां होंगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने BMHRC में प्रोफेसर के 3 और सहायक प्रोफेसर के 19 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती सूचना जारी की है। जिन विभागों में फैकल्टी पदों पर डॉक्टरों की नियुक्तियां होनी हैं उनके नाम हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियक थोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, सर्जिकल अंकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। यह भर्ती सूचना ICMR की वेबसाइट पर उपलब्ध है। BMHRC की प्रभारी निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि हमें आशा है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए रिक्त पड़े फैकल्टी के अधिकतर पद भर लिए जाएंगे। मरीजों को काफ़ी लाभ होगा व गैस पीड़ित मरीजों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला समाचार एम्स भोपाल से है। गंभीर संक्रामक रोग मेलियोइडोसिस के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के प्रयास में एम्स भोपाल में विगत दिवस एक सतत चिकित्सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एम्स भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मेलियोइडोसिस के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। मेलियोइडोसिस जीवाणु वर्कहोल्डेरिया स्पिडोमेलेलिक के कारण होने वाली एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी की मृत्यु दर अधिक है और अधिकांश मामले ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेषकर कृषि गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्तियों में। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ICMR नई दिल्ली में वैज्ञानिक डॉक्टर हरप्रीत कौर और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में प्रोफेसर डॉक्टर चिरंजय मुखोपाध्याय थे। एक और व्याख्यान एम्स भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आयुष गुप्ता ने दिया। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने CME के सफलतापूर्वक संचालन के लिए टीम को बधाई दी। अब बात करते हैं प्रदेश में लागू की जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में। अब इस नीति के चलते प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना में की जा रही गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। इस नीति के तहत हर क्लेम का फिजिकल वेरिफिकेशन और थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। आयुष्मान योजना में उन्हीं अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा जिनके पास NABH सर्टिफिकेट होगा। अगर किसी अस्पताल का क्लेम गलत मिलता है तो उस पर पहली बार में 3 गुना, दूसरी बार में 6 गुना और तीसरी बार में डीलिस्ट की कार्रवाई होगी। आयुष्मान भारत योजना की CEO अदिति गर्ग ने समाचार पत्र दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले अस्पताल गलत क्लेम करते हैं तो इसकी ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन लिंक करवाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक गलत क्लेम करने वाले अस्पतालों से 18 करोड़ रुपये की पेनल्टी वसूली की जा चुकी है। अगला समाचार एम्स भोपाल से है। एम्स भोपाल के नर्सिंग कॉलेज सावित्री बाई फुले भवन में आज स्वास्थ्य देखभाल में लैंगिक असमानताओं को पाटना चुनौतियां विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह कार्यपालक निदेशक एम्स भोपाल और अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर मनोहर अग्नानी प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल प्रभारी डॉक्टर ममता वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर लिली पौददार एसोसिएट प्रोफेसर ने समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री के रूप में सावित्रीबाई फुले के महान योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज एम्स भोपाल द्वारा चलाई गई देखभाल पहल की उपलब्धियों की भी चर्चा की। अब बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीज को ICU में भर्ती करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार रोगियों को उनके या उनके परिजनों के इनकार करने पर ICU में भर्ती नहीं किया जा सकता।
24 विशेषज्ञों की ओर से तैयार दिशा निर्देश में सिफारिश की गई है कि यदि लाइलाज मरीज या बीमारी का इलाज संभव नहीं है या उपलब्ध नहीं है और इलाज का कोई असर नहीं पड़ने वाला है तो आईसीयू में रखना व्यर्थ की देखभाल करना है। यदि कोई आईसीयू में देखभाल के खिलाफ है तो उस व्यक्ति को भर्ती ना किया जाए। दिशा निर्देश को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने का मानदंड किसी अंग का काम करना बंद होना चाहिए, साथ ही मदद की आवश्यकता या चिकित्सा स्थिति में गिरावट की आशंका भी इसका आधार हो सकता है। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख हाइलाइट्स, आशा करते हैं पसंद आया होंगे। और चलते चलते आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट लगातार मिलते रह सकें। और अगर आपने पहले से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये हाइलाइट्स पहुँच सकें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।